एक्सीलेटर दें, ये वो गाड़ी नहीं है जो कहेगी नहीं मैं थक गई हूँ मेरा गियर निकालें, ये कहेगी नहीं बस आपने गियर लगा दिया आप एक्सीलेटर दें मैं आपका साथ निभाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हामिद जमाल जा रहे हैं जी। और मेरे कपड़े तो उठा लो यार, दर्जी को देने हैं। कौन से? वो तीन सूट हैं, ये वाले तीन सूट हैं ख्याल से। थोड़ा बहुत काम कराना है इंशाल्लाह, और काम से मुराद है जरा साफ करना है उसे, मैंने तकरीबन एक महीने से चला के। ये देखें जी खड़ी है गाड़ी। हाँ हाँ उधर ही जाऊंगा, और कहाँ जाना है मैंने? ओ जी बगैर गिराज के बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माशाल्लाह तबारकल्लाह माशाल्लाह। हाफ सेल्फ स्टार्ट है, चाहे धूप में खड़ी है चाहे बाहर खड़ी है, अब इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ चढ़ाई। ये चढ़ाई है जी, और गजब की चढ़ाई है माशाल्लाह। हम इसमें 8-8 बंदे तो बाजी अब लोड होते हैं, 8-8 बंदे 10-10 बंदे माशाल्लाह इसमें लोड होते हैं। ये कैमरे में देखने में ऐसे लग रहा है लेकिन ये बहुत जबरदस्त किस्म की चढ़ाई आई। कपड़े जी टेलर को देने थे, खैर से टेलर है ही नहीं, और अब ये माशाल्लाह तबारकअल्लाह अपनी सिस्टर के पार्लर पे रिवाज ब्यूटी सैलून। तो बाजी कपड़े उठा लें, कपड़े उठा लें, बल्कि उसे दे देना ना वाले, ये वाले भी उठा लो। टॉपर में क्यों नहीं डाले ये कपड़े? ठीक है बाजी, फिर अल्लाह हाफिज। जो ड्राइव है ना यार खैबर की, आप बिलीव करें मैंने बड़ी गाड़ियां अपनी ज़िंदगी में चलाई हैं और बड़ी गाड़ियां मैंने परचेज की हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ाती, जिसमें रिबॉन रिबर्थ और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं, लेकिन मैं इसको उनसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि ये होंडा रिबॉन और रिबर्थ से ज़्यादा कम्फर्टेबल है, लेकिन किसी भी छोटी गाड़ी में 1000 cc गाड़ी में 800 cc गाड़ी में कोई जोड़ नहीं है इस गाड़ी का। बिलीव करें कि इसका जंप जो है वो विड्स से भी ज़्यादा अच्छा है, विड्स का भी ऐसा नहीं है। और क्या इसकी ड्राइव है, मैं इसके ऊपर 2 बार मुल्तान का सफ़र किया है, बल्कि 3 बार, और माशाल्लाह तबारकअल्लाह ये चलने में ऐसे है ना चढ़ाई में, और जंप का तो पता ही नहीं चलता ना इसके ऊपर, मतलब छोटी गाड़ी वाली फील है ही नहीं। स्प्रिंग सस्पेंशन क्या बात है, सेम ऐसे लगता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। और उसके अलावा जितना मर्ज़ी आप जो है ना इसको भगाएं और चढ़ाई में, ये वो साथ निभाने वाली गाड़ी है। दूसरी खैबरों का मुझे नहीं पता, लेकिन बिलीव मी कि मेरी जो गाड़ी है माशाल्लाह ये साथ नहीं छोड़ती कहीं भी, जिस तरह की चढ़ाई हो, जितने बंदे बैठे हों, जिस तरह का रोड हो। अब ये पहाड़ी इलाका है, आप बहुत सारे रोड बहुत सारी गलियां यहाँ पर समझ से बाहर होता है, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मुझे जो है ना इस गाड़ी से फ़ायदा हुआ है, या शायद इसको बिल्ट करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे इसकी सीटें हैं, इसका सस्पेंशन है, इसके अंदर का काम है, बस ये गाड़ी अब 1 साल से खड़ी है बाहर खड़े खड़े रुल गई है। चलिए दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह आगे। लेकिन ये गाड़ी सर्विस कराने आए हूँ, मैट इसके जिस दिन से गाड़ी अगर छाप से निकली है ना, इसके मैट मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वाश कराए हों, जिस भाई के हैंड ओवर ये गाड़ी की हुई है, और अभी सर्विस हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। अब छत के डेंट तो मैंने निकाल दिए हैं बज़ाहिर, लेकिन ये जगह देखें ना कितनी ख़राब हो गई है, ये डेंट किस तरीके से मैं निकालूंगा, काफ़ी काम गड़बड़ हो गया सारा ना, दिखाता हूँ फिर मैं आपको सारी करके ना।
ये देखें जी दोस्तों, माशाल्लाह ये तैयार हो गई है। डिग्गी भी खोल के दिखाता हूँ आपको। हम वाश में भी गाड़ी ऐसी बनवा के आए हैं कि पता चले वाकई कोई काम करवा के आए हैं। ये देखें अभी मैट वगैरह इसके पड़े हैं पीछे, वो अभी लगाऊंगा। स्पीकरों वाला पट्टा जब मुल्तान गया था उतारा था, उसके बाद लगाया ही नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मिलते हैं जी फिर कल की नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी आज गाड़ी साफ हो गई, बाकी कल इसके छोटे मोटे जो पंगे शिंगे हैं वो सेट करेंगे, क्योंकि मैं 2-3 महीने से गाड़ी नहीं चला रहा। ये गाड़ी इधर ही थी फात भाई के पास, तो अब जो है ना ये